दूसरों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी मैं। लगता है वो भी वही ढूंढ रही है जो मैं ढूंढ रही थी ना। आरती की थाली तैयार हो गई? हाँ हाँ। सिंदूर कहाँ है? अरे वही तो लेने जा रही है। जल्दी डाल के ले आ। हाँ। ये देखो, कलश अब तक नहीं सजाया। अरे विदाई कब की हो चुकी है, गाड़ी बस आती ही होगी। आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? पता है आपकी इकलौती बहू आ रही है। दूल्हा दुल्हन आ गए हैं। जल्दी जल्दी कलश पर, जल्दी जल्दी। बहू, अब अपने दाएं पैर से इस चावल के कलश को अंदर की तरफ धक्का दे दो। बहू, अब इसमें अपना दाया पैर रखो और घर के अंदर आ जाओ। आइए शांता जी, अंदर आइए। ये क्या? ये शांता जी है, मेरी बहू की माँ। अरे ये क्या, गृह प्रवेश में? मतलब बहू के ससुराल में? हाँ, ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं। तो क्या हुआ, क्या इस दुनिया में सिर्फ लड़के ही माँ बाप का सहारा बन सकते हैं, लड़कियां नहीं? हमारी बहू सोना इनकी इकलौती बेटी है और उसने हमारे बेटे से शादी की है। जैसे मेरे बेटे के लिए मैं माँ हूँ, वैसे इसके लिए शांता जी। हमारी बहू सोना जिंदगी भर इनकी जिम्मेदारी उठाएगी और आज से ये इसी परिवार का हिस्सा है, हमारे साथ ही यही रहेंगी। पहली बार ऐसा कुछ देखा है चंदा बहन, बाकी आप लोगों की मर्जी, हमें क्या। चलो। हाँ चलो। हाँ अरे सब लोग इतना शांत क्यों हो गए, वो भी इतने अच्छे माहौल में। माँ जी आइए ना, घर देखिए, आपके बेटे का घर है। अम्मा इनका कमरा तो तैयार है ना? हाँ हाँ तैयार है, आइए ना आइए। अरे माँ जी सोना अब मेरी जिम्मेदारी है, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आइए। अब अपनी मैडम को भी उसका रूम दिखा दो। चले। शांता जी आपको शर्त याद है ना, मुझे इस घर का वारिस जल्द से जल्द चाहिए। मेरी ये रस्म आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी, भरोसा रखिए। जा।
ये पहन कर आओ। शांता जी, रात में सब ठीक रहा ना? क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैं हूं ना, सब अच्छे से हो गया। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। अरे बच्चों, आओ नाश्ता कर लो। जी बैठो। अरे वाह अम्मा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ तो खा लेना, वैसे भी कल से बहू के हाथ का खाना खाना है, हमें भी तो उसके हाथ का स्वाद चखना है। अच्छा बहू, आज हमें मीठा बनाने की रस्म करनी है, तो तुम थोड़ी देर में किचन में आ जाना, अच्छे से ये रस्म करेंगे, ठीक है? कमल, तू अभी तक नाश्ता कर रहा है? हाँ? अरे श्री, आजा आजा। पहले ये बता, तू शादी के बाद अब क्यों आ रहा है? सॉरी यार, ऑफिस की ट्रिप से कल ही आया हूँ, और तुझे तो पता है ना, ये ऑफिस वाले छुट्टी नहीं देते हैं। ये सब छोड़, लेकिन तू भाभी से तो मिला? हाँ हाँ बिल्कुल, ये है तेरी भाभी सुना। हेलो। कैसी लगी तेरी भाभी?
वाह यार, मानना पड़ेगा तेरी पसंद भी यार, तेरी पसंद बहुत अच्छी है। इसे क्या कह रहा है, बहू तो मैंने पसंद की है। अच्छा। चल भाई अभी लेट हो रहा है, चलते हैं। चलते हैं। हाँ ठीक है आंटी, आराम से जाइएगा। क्या हुआ, परेशान क्यों है? क्या हुआ, परेशान क्यों है? ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया घर में? हाँ, खाना बनाना, मीठा बनाना, ये क्या है? ये मुझसे नहीं होने वाला। देखो माँ, तुमने कहा था कमल से शादी कर लो, मैंने कर ली। तुमने कहा था हम इस घर में राज करेंगे, ये राज हो रहा है? खाना बनाना, मीठा बनाना, ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम देखो तुम्हें क्या करना है, जो करो करो। अरे बस शांत हो जा, मैंने तुझे कुछ कहा क्या करने के लिए? मुझे पता है तुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, पर क्या करती, मुंह पर बोल देती। नहीं ना, बोलेंगे आराम से, प्यार से, कि तेरी सास खुद तुझसे आके गए, काम करने की जरूरत नहीं है। कैसे? तेरी माँ है ना, बस आज तक तू जैसे मेरी बात मानते आई है, मानती जा। इस घर पे रानी बना के रखूंगी तुझे, और खुद महारानी। हाँ, खुद महारानी बनोगी। बहू, इसमें रवा है, इसमें चीनी, घी और ये रहे ड्राई फ्रूट्स, अपने हिसाब से हलवा बना देना, ठीक है? जी माँ जी। आज बहू की पहली रसोई है, इसलिए उसे मीठा बनाने के लिए बोला है। अरे बहू जी, हलवा बनाने के लिए बोला था ना, दूध क्यों डाल रही है? माँ जी वो मैं बहू रो क्यों रही हो? मैंने तो सिर्फ दूध क्यों डाला? अरे बहन जी कुछ नहीं, थोड़ा घबरा गई है। पर क्यों? माँ जी मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मैं सीख लूंगी, पर मुझे खाना बस इतनी सी बात है, इसमें रोना किस लिए? अगर खाना बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अरे बहन जी, नहीं नहीं, आप क्यों? मैं हूँ ना, बेटी के ससुराल आई हूँ, तो इसके साथ मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है, इसलिए आज से सबका खाना मैं बना दिया करूंगी, आप नहीं। नहीं शांता जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आप क्यों सबका खाना बनाएंगी? इतने सालों से मैं करती आ रही हूँ, आगे भी मैं ही कर लूंगी। आप बस एक काम करिए, बहू को अपने कमरे में ले जाइए, देखिए तो रो रो के बुरा हाल कर दिया है। जा बेटा, जाके आराम से, ठीक है? ले जाइए। आ बेटा। ऑफिस से कल जल्दी आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे मेरी बीवी मुझे याद करेगी तो मैं पक्का आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं ना सारा काम पहले से ही कंप्लीट कर लूंगी। आपको मुझे आवाज देनी चाहिए थी, आप अकेले क्यों कर रही है? आप बैठिए, आइए। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको पूछती हूं। क्या बात है, आज दोनों संधन एक साथ काम कर रही है। हाँ आओ बैठो। खाओ। हाँ। आज सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। अरे तो और लो ना। आपने बनाई है? अरे कमल जी, दोनों माँ जी मेरे को बहुत मेहनत कर रही थी शाम से, ये सब इन दोनों ने बनाया है। Thank you.
चाय बन गई होगी जल्दी से कमल को दे देती हूँ, नहीं तो गिर जाएगी। अरे बहन जी आ गई आप, बैठिए मैं आपके लिए भी चाय लाती हूँ। वाह माँ जी, आपने बिल्कुल अम्मा जैसी चाय बनाई है, आप दोनों के हाथों में ना जादू है सच में, वाह। हम दोनों ही माँ है ना, इसलिए तुम चाय पियो मैं आती हूँ, बैठिए ना। शांता जी हुँ? चाय तो मैंने बनाई थी ना, फिर आपने। अरे वो अब चाय के लिए क्या बोलना, कमल को पसंद आई ना, वो आपने बनाई हो या मैंने क्या फर्क पड़ता है। अच्छा सुनिए ना, आपका नाश्ता बन जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सोना को भी बुला लूंगी, ठीक है। आप चाय पी लीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिए। बहन ये मैंने ना अपनी बहू के लिए बनवाया है, और अभी तक ना बैंक का लॉकर मुझे मिला नहीं है, तो आप इसे ना अपने बैंक में रख देना, और मुझे अगले महीने में चाहिए ना तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ हाँ मैं कल ही जाके लॉकर में जमा करवा दूंगी, ठीक है। इतना सुंदर हार था कि क्या बताऊं, हार पड़ोसन का था अपना नहीं, इसलिए शांत रहो। अरे तभी तो चाहिए, मतलब अरे सोच, पड़ोसन का हार इस घर से चोरी हुआ तो किसको पकड़ेंगे, तेरी सास को। हम कहीं से नहीं फंसने वाले, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। यह तो बहुत अच्छा है मम्मी, शांता जी। शांता जी आप यहां क्या कर रही हैं? ये नेकलेस, आप ये, अब मैं समझी, पिछले एक हफ्ते से आप हमारे घर में रहकर हम सबसे मीठा मीठा बोलकर इस घर में जहर घोल रही हैं, चुरा रही थी ना आप ये। अरे नहीं, ये तो बस गिर गया था तो मैंने उठा ली। अच्छा कबर्ड में रखा हुआ नेकलेस अपने आप जमीन पे गिर गया, वाह। और अगर गिर गया था तो उसे उठा के मुझे दे देती, सोना है कोई टॉफी नहीं, जो जमीन पे पड़ी हुई मेरी और उठा के चल दी। बहन जी अब आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। खत से ज्यादा बढ़ना किसे कहते हैं ना, ये अब मैं आपको दिखाऊंगी। पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ और आपकी हरकतों को नजरअंदाज कर रही हूँ, ये सोच के कि आप बहू की माँ है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं ये समझ चुकी हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आज ही कमल से सारी बातें बताती हूँ और आपको अपने घर वापस भिजवाऊंगी। बैठ बेटा, मैं तुझसे जो बात करने जा रही हूँ ना उसे ध्यान से सुनना। हाँ माँ बोलो ना, क्या बात करनी है और बाकी सब कहाँ है? बाकी सब के बारे में ही बात करनी है, खास करके तेरी सास के बारे में। हे भगवान, तुम भी कुछ कर सकते हो, मैं कहाँ जाऊँ, ये बुढ़िया तो मुझे घर से निकाल कर ही मारेगी। पीछे वो पड़ी थी, तुम पड़ी थी, हाँ कुछ जल्दी पाने के चक्कर में तुम्हारा दिमाग जो खराब हो गया था। हाँ बाबा समझ गई, करो।
हुआ क्या है अम्मा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा शांता जी आज मेरी कमरे में। कमल जी, हाय कमल जी, कमल जी, कमल जी। अरे क्या कर रही हो? मैं देख रही हूँ। अरे बातें कुछ ऐसी हैं। कमल जी आप पापा बनने वाले हैं। क्या? बहू सच? जी सच में मेरे घर का वारिस आने वाला है। हे भगवान, हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। रहने दीजिए, जो कुछ भी हुआ उसे मैं भूल गई। आपने सुना, आप नानी बनने वाली हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहू, बहू देख, आज के बाद तो कोई काम नहीं करेगी, बस आराम करेगी और हमेशा खुश रहेगी। कमल, तुझे बहू की हर खुशी का ध्यान रखना है, समझा? जी अम्मा। तू और कोई झूठ नहीं मिला बोलने के लिए? ये तो मैं क्या करती झूठ नहीं बोलती तो? अभी तक ही ना तुम घर से बाहर होती मम्मी। अरे कोई और झूठ बोल देती पर माँ ही क्यों? यार मम्मी देखो, जो समझ में आया ना मैंने बोल दिया। देखा नहीं कैसे ये बात सुन के वो तुम्हें गले लगाने लगी और सारी बातें भूल गई। अरे तुम टेंशन मत लो, मेरी बेटी है ना, तुम्हें बचा लिया। भगवान, तूने बचाया नहीं और फंसा दिया। 3 महीने के बाद पेट दिखेगा नहीं और 9 महीने के बाद बच्चा आएगा नहीं, तब क्या बोलेगी? तब बोलना माँ को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। तो मम्मी, मेरा मम्मी ये तो हमने सोचा ही नहीं। इतनी अक्कल होती तो क्या ही बात थी। अब क्या करें? अब बस इतना कर, ज्यादा से ज्यादा वक्त कमल के साथ बिता और भगवान से प्रार्थना कर कि जल्दी से जल्दी तेरी कोख भर जाए। और उस दिन तू और कमल वो तेरे डॉक्टर फ्रेंड के पास चेकअप के लिए गए थे ना, अरे उसको फोन लगा के पूछ रिपोर्ट कब तक आएगी। कुछ भी कर, जल्दी से जल्दी तेरा कोख भर जाए बस। भाभी मैं तो बस। अरे श्री आ गया तू, चले ऑफिस। हाँ चलते हैं, बाय। ध्यान से जाइएगा। बहू जी। माँ जी नाश्ता कर लिया? जी। कल से सवेरे जल्दी उठ जाना और मेरे साथ सुबह वॉक पर चलना, माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी। हेलो आशा, सुनो हमारी रिपोर्ट्स ठीक आई है ना? सुनो हम जब से तुम्हारे क्लिनिक से आए ना हमें बहुत टेंशन हो रहा है, सब ठीक है ना? नहीं सोना, बुरी खबर है। तेरी रिपोर्ट्स तो ठीक है पर तेरे पति क्या हुआ उन्हें? मतलब ये कि कमल कभी बाप नहीं बन सकता। क्या? एक सेकंड मम्मी, इसके माँ को वारिस चाहिए और बेटा बाप नहीं बन सकता, फिर तो सही है ना मम्मी, सही है ना? ऐसा करते हैं, सासू माँ को जाके बता देते हैं कि आपको बेटा तो बाप ही नहीं बन सकता। अरे जरा उनकी आंखों से भी तो सपना टूटे कि उनका बेटा बाप नहीं बन सकता। क्या बोलते मम्मी? चुप कर। उनको बताकर अपने पैर कुल्हाड़ी पे मारनी है क्या? भूल गई क्या बोल के आई है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, कमल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उनको पता चल गया ना तो सबको पता चल जाएगा कि हम एक नंबर के झूठे हैं और किस मंशा से इस घर पे आए हैं। और वो तेरी सास एक
मिनट में घर के बाहर फेंक देगी और तेरा पति भी कुछ नहीं कर पाएगा। आयरा मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पूरी तरह से फंस गए। ऐसा लग रहा है एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। हम 3 महीने बाद क्या जवाब दूंगी सबको? मम्मी, मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऊपर से मेरा पति किसी काम का नहीं है। उसका वो दोस्त तो है। मतलब उसका वो दोस्त तुझे किस तरह घूरता है मैंने देखा है। तू बस उस पर पूरा ध्यान लगा, उसे अपने करीब ले आ। मम्मी ये क्या बोल रही हो? सही कह रही हूँ, अपना भविष्य बनाना है तो बेशर्मी करनी पड़ेगी। तू जल्द से जल्द श्री को अपने करीब ले आ, फिर उसके बच्चे को कमल का बच्चा बोल के तेरे सास के गोद में डाल दे। पर श्री मानेगा? उसको कौन बताएगा? एक बार उसका काम निकल जाए, दूरी बना लेना। वो खुद भी शादीशुदा है तो परेशानी नहीं होगी। और ये बच्चा किसका है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। वाह मम्मी वाह, क्या दिमाग खोया है। तू बस अपने काम पे लग जा। हेलो हेलो, श्री मैं कमल की वाइफ बोल रही हूँ। अरे भाभी, आपने फोन किया, सब ठीक है ना? श्री मुझे ये पूछना था कि कमल आपके साथ है क्या? मैं उनको फोन मिला रही तो लग नहीं रहा है। पर भाभी मैं तो कमल के साथ नहीं हूँ, कुछ जरूरी काम है तो मुझे बताइए ना। एक्चुअली श्री काम करते वक्त मेरा पैर फिसल गया था तो बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी भी घर पे नहीं है, माँ भी घर पे नहीं है तो मुझे बाम चाहिए था। ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं लेकर आता हूँ। भाभी जी, ये बाम। थैंक यू, मैं चलता हूँ। वो भाभी संभल कर आइए, मैं आपको वहां तक बिठा देता हूँ। जी ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। श्री अब आए हो तो लगा भी दो। यहाँ लगा भाभी? नहीं, थोड़ा ऊपर। यहाँ? थोड़ा और ऊपर। यहाँ? थोड़ा और ऊपर। यहाँ? थोड़ा और ऊपर। यहाँ? को पढ़ने की कोशिश कर रही थी मैं, लगता है वो भी वही ढूंढ रही है जो मैं ढूंढ रही थी ना। भाभी ये कोई नहीं घर पे, कुछ नहीं होगा। Thank you.
बोल। तू प्रेग्नेंट है? अब हमारा वक्त आ गया है, अब ये घर सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी और हम बनेंगे इस घर के राजा। बहू जी। जी माँ जी। जी शाम को तैयार हो जाना, डॉक्टर के पास जाना है। जी डॉक्टर? हाँ चेकअप के लिए तो अब हर महीने जाना होगा ना। मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, मैंने उनसे बात कर ली है, शाम को 5 बजे उन्होंने बुलाया है, तुम तैयार हो जाना चलेंगे। बहन जी मैं क्या कह रही थी, हमारे यहाँ पे मानते हैं कि शुरुआत के 2-3 महीने ना किसी को नहीं बताते, डॉक्टर को भी नहीं, तो रुक जाते ना कुछ महीने। माँ जी मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी सही कह रही हैं, मेरे मन में भी वहम आ गया है। देखिए आप भी कुछ बुरा नहीं चाहेंगी, कोई अपशगुन ना हो जाए मम्मी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अपना ख्याल रखो ठीक है, जाके आराम करो, शाम को जूस बना के दूंगी पी लेना। जी यार ये तो पीछे ही पड़ गई है मम्मी, ये पी ले वो पी ले सब पी ले सब पिलाऊंगी। बस और कुछ महीने, उसके बाद ये सारे हमारी उंगली पे नाचेंगे। ये लो श्री का फोन, ये और पीछे पड़ाएंगे देख। अब इसका काम खत्म, नंबर डिलीट कर और इससे कोई मतलब नहीं रखना। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो यार, 3 दिन से फोन नहीं उठा रही हो, सब ठीक तो है ना? देखो सब ठीक है, और नहीं ऐसे छुआ मत करो तुम, तुम्हें पता है ना घर पे सब है यहाँ पे, और किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, चिंता मत करो ना। बोला ना मुझसे दूर रहो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? क्या हो क्या गया तुम्हें? पहले तो मेरा छूना तुम्हें बहुत पसंद था ना, पहले फोन करके खुद मुझे घर पे बुलाती थी, और अब ये सब? पसंद था अब नहीं है, और ये बात अपने दिमाग में ना घुसा लो और निकलो यहाँ से, निकलो। माँ जी वो श्री भाई सब कमल के बारे में पूछने आए थे तो बस। माँ जी मैं वो बस मैं चलता हूँ। माँ जी वो मैं श्री भाई साहब से जाने के लिए कह रही थी, आप ही आ गए। और सही किया जो मैं आ गई, नहीं तो तेरी सच्चाई कैसे पता चलती? अरे तुझ जैसी औरतें ही सबको बदनाम करती है, तू श्री के साथ कमल के पीठ पीछे ये सब। छी बस अब और नहीं, मैं तुझे इस घर में अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, अभी के अभी तुम दोनों माँ बेटी निकलो इस घर से, चल निकल निकल जा इस घर से, चल छोड़ चल। वही जो उसी दिन का देना चाहिए था जब तुझे चोरी करते हुए पकड़ा, बस अब और नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, जो सिर्फ धोखा देते हैं सिर्फ धोखा। तू भी निकल निकल अपनी बेटी के साथ निकल। अरे माँ जी अब ये तेरा सामान क्या कर रही हैं आप?
सोना माजी, आप दोनों ऐसे घर के बाहर क्यों बैठे हुए हो? कमल जी, क्या बताऊं? ये तो अम्मा जी से ही पूछो। क्या मतलब है? क्या हुआ सुना? कमल जी, वो आपके दोस्त ही आए थे और वो बस मेरे कमरे में आपके बारे में पूछने आ गए कि कमल भाई किधर है। उसके बाद पता नहीं माजी को क्या लगा कि उन्होंने मेरे ऊपर चरित्रहीन का लालचन लगा दिया और मुझे और मम्मी को घर से बाहर बेइज्जत करके निकाल दिया। आप दोनों अंदर चलो। सोना मेरी बीवी है और उसकी इज्जत मेरी इज्जत। देखिए, अम्मा को कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं उन्हें समझा दूंगा। आप दोनों चलिए अंदर, आइए मेरे साथ, आइए। नहीं बेटा, बेटा तू कुछ नहीं जानता है। आज मैंने सब अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। ये बहू तेरे दोस्त श्री के साथ। बस अम्मा, अब एक शब्द और नहीं। और आपकी हिम्मत कैसे हुई उसकी उसकी बेइज्जती करने की? अरे श्री कमरे के अंदर ही गया था ना, इतना बड़ा क्या इशू बना दिया आपने कि अपनी प्रेग्नेंट बहू को घर से बाहर निकाल दिया? बेटा तुझे कुछ नहीं पता है। बस अम्मा, अब मुझे और कुछ नहीं जानना है। और आगे से मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी बीवी और मेरी माँ जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए आप लोग। कौन है वहां? कौन है? कौन है? अरे तू कहा शांत रहे। मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। आज नहीं तो कल मेरी बेटी की सच्चाई तुमने कमल के कानों तक पहुंचा दी होती, जो मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए आज मैंने तुझे ऊपर पहुंचा दिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी, किसी पे आपको कोई शक है? नहीं इंस्पेक्टर सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में समय लगेगा, तब तक हम बाकी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कब तक ऐसे परेशान रहोगे? जो हो गया वो हो गया, अब जो आने वाला उसके बारे में सोचो। पर सोना, क्यों अचानक अम्मा इस तरह से? कमल जी, मैं, मम्मी और हमारा आने वाला बच्चा सब आपको देख के बहुत परेशान है। आपको अपने आप को संभालना होगा, हमारे लिए प्लीज कमल जी। तुम सही कह रही हो, आज से तुम, हमारा बच्चा और हमारी मेरे लिए सब कुछ है। और मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी।
भी नहीं आ। क्या कर रहा हूँ? एक दूध में मक्खी की तरह निकाल के मुझे ऐसे फेंक नहीं सकती तुम। फेंक नहीं सकती? अरे कब का फेंक दिया तुझे? अभी तक समझ में नहीं आया? पर तुम तो मुझे पसंद करती थी ना? अचानक से क्या हो गया? चुप कर। पागल है क्या? शक्ल देखिए अपनी, पसंद करती थी। मुझे तुझसे अपना काम निकलवाना था, समझ में आया? मेरा काम हो चुका है, अब तू मेरा किसी काम कर रही है। काम निकलवाना था? कैसा काम? काम ये था कि तुम यहाँ? वो मैं कमल से मिलने के लिए आया था। वो तो नहीं है, तुम शाम को आना। दिमाग खराब है तेरा? मैं अगर समय पर नहीं आती ना तो पूरा मुंह खोल चुकी थी तू। तो क्या करती मैं? गुस्सा दिलाता है वो मुझे। गुस्से पे कंट्रोल कर, वरना सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। याद रखना, तेरे कोख में पलने वाला बच्चा कमल का नहीं श्री का है, और ये बात गलती से भी तेरे मुंह पर नहीं आनी चाहिए। और इतना करने के बाद में भी तूने कोई बेवकूफी कर अगर प्लान को खराब किया ना तो? अरे मैं नहीं कर रही कोई प्लान खराब आपका, शांत रहो। वाह क्या बात, मानना पड़ेगा तुम दोनों को, क्या इस्तेमाल किया मेरा। वैसे मुझे समझ तो आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर अम्मा जी की डेथ के बाद मुझे यकीन हो गया था कि तुम लोगों ने मिलकर ही किया है सब कुछ, क्योंकि उन्होंने मेरी और सोना की बात सुन ली थी, पर उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था ना। पर अब मैंने तुम लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। ये वीडियो मैं पुलिस को दूंगा और तुम लोग जाओगे जेल। सोना मुंह क्या तेरी फोन उठा। नीचे नीचे सी ने मुझे पहले ही वीडियो सेंड कर दिया था, इसलिए मैं पुलिस बयान लेकर आया। शर्म नहीं आई तुम्हें इतनी घटिया हरकत करते हुए? मेरी मां ने तुम्हें परिवार की तरह प्यार किया, तुमने हमारे साथ क्या ची? वारिस के लिए शादी की थी ना, है ना? तुम्हें पता है रिपोर्ट के हिसाब से तुम कभी बाप नहीं बन सकते। तुम्हारी माँ कहती रहती थी वारिस चाहिए वारिस चाहिए, क्या करती मैं? और तो सच बता देती ना, दुनिया में हजारों लोग हैं जो बाप नहीं बन पाते, वो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, हम भी कर लेते। मैं समझा लेता माँ को। सच बता दी थी तो मेरे हाथ से जायदाद चली जाती। तुम पैसे के लालच से ही अंधी हो गई ना, कि मेरे प्यार को समझ नहीं पाई। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसको, ले जाइए।